व्हाट अ मैच, क्या बात है, मजा आ गया यार आज के मैच का। न्यूजीलैंड ने आउट क्लास करके रख दिया श्रीलंका को, और आज पाकिस्तानी और बाकी जितनी भी एशियन टीम्स हैं उनको अपनी औकात का अंदाजा हो गया होगा कि जिधर जरा सी बॉल हिली उधर ही पाकिस्तानी ढेर हो गए, अपनी औकात पे सामने आ गए। किस तरीके से 3 आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने इनिंग्स को बिल्ड किया है, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी एक मिडिल ऑर्डर में प्लेयर रिक्वायर्ड है कि जो अगर ऊपर से कोई प्लेयर्स गिर जाए, ऊपर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए, तो पाकिस्तानी नीचे कोई ना कोई संभालने वाला हो। आप देखिए, एक प्लेयर उनका चला है और स्कोर जो 15 रन पे तकरीबन 3 आउट थे न्यूजीलैंड के, और वो स्कोर 160 पे चला गया। ग्लेन फिलिप्स ने सेंचुरी की है, 104 रन उसने किए हैं, लेकिन बात जो है वो इधर से ये आती है कि हर टीम आपको वॉच कर रही है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा, और अब पहले भी नहीं था, लेकिन अब आप देख ले टॉप ऑर्डर भी नाकाम रह रहे। बाबर आजम के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिर भी जाए तो गेम को आगे लेकर चले। इसीलिए कहते हैं कि बाबर आजम या 2 डाउन या 1 डाउन आए, ताकि अगर ऊपर से कलैप्स करे तो नीचे से संभालने वाला हो। अगर वो भी नहीं करना तो यार मलिक मलिक मलिक। अगर मैं होता, मैं इस लड़के को सबसे पहले मिडिल ऑर्डर में रखता, बिकॉज मैंने इस ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट शारजा, इट्स नॉट दुबई, इट्स नॉट पाकिस्तान की डेड विकेटें। अब आपने देखा ना, हमारे जिम्बाब्वे के आपको वो बॉलर काबू नहीं थे आ रहे, जो मीडियम पेसर से थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेंथ बॉल। हर बंदा ये कह रहा है कि मलिक को अगर आप खिला लेते तो इस वक्त आपको ये परेशानियां ना देखनी पड़ती कि आपका टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हो जाए तो नीचे आपके पास कोई खेलने के लिए ये नहीं हो। इसी तरीके से अगर हम देखें श्रीलंका को, तो श्रीलंका ने सिवाय राजापक्षे और शनाका के कोई भी डबल फिगर में नहीं जा सका, क्योंकि बॉल मूव हो रही थी, बॉल हिल रही थी, जहां पे शॉर्ट पिच बॉल आई, जहां पे लेंथ बॉल आई, वहीं पे वो लोग ढेर हो गए। कोई प्लेयर भी, तीनों अगर आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर देखें तो शनाका 35, राजापक्षे 34 और राजीथा सिर्फ 8 रन बना सके, जबकि इसके बरक्स इंग्लैंड के जो न्यूजीलैंड के 7 आउट हुए हैं, लेकिन उनमें से बाकी भी जितने प्लेयर्स थे उन्होंने भी इतना बुरा नहीं खेला। ऑल दो दे वर नॉट अप टू द मार्क, ऊपर से विलियमसन भी आउट हो गए, कॉनवे भी आउट हो गए, लेकिन अब देखना कल वाले मैच का, क्योंकि हम लोग कंसर्न है कल वाले मैच के, कल वाले दिन से। कल 3 मैचेस हैं, कल 3 मैचेस के अंदर सबसे पहले तो सुबह के अंदर मैच हो रहा है हमारे प्यारे जिम्बाब्वे और साथ में हमारे पुराने मुल्क बांग्लादेश का। हमारी कोशिश ये होगी कि जिम्बाब्वे हार जाए और बांग्लादेश जीत जाए, या बांग्लादेश जीत जाए जिम्बाब्वे हार जाए, हमारा उसके साथ ऐसा सच इतना कोई इस मैच से कंसर्न नहीं है। वैसे भी सुबह का टाइम मैच है, 8 बजे किसने देखना है। दूसरा मैच जो है वो इंपॉर्टेंट है, 12 बजे वाला, जो यानी कि हमारा मैच है नेदरलैंड के साथ। नेदरलैंड की टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी जिम्बाब्वे की टीम थी, दोबारा आपको बता दो, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को, इंडिया को भी थोड़ा टफ टाइम दिया, उसके साथ साथ उनकी फील्डिंग इज एक्सेप्शनल, वो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, इसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग लाइन है उसके अंदर एक्यूमैन है, एक दो प्लेयर्स और हैं जो मुनासिब खेलते हैं, बुरा नहीं खेलते, लेकिन अब हम हमारे यहाँ तो देखना ये है ना कि बस जो खेल रहा है वो हमारे खिलाफ बहुत अच्छा है, मतलब हमारे हमसे अलग जो भी है वो बहुत अच्छा है। तो बात अब ये है कि हमें, खैर हमने तो जीतना ही जीतना, हमारे पास तो कोई सिचुएशन है ही नहीं, लेकिन उससे अगला जो मैच है उसमें हमें अपने रिवायती हरीफ का साथ देना पड़ेगा। कहते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है, इस वक्त इंडिया हमारा दोस्त है, क्योंकि हमने उसे सपोर्ट करना है ताकि साउथ अफ्रीका हारे और उसके बाद पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई चांस बन जाए सेमीफाइनल के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान वैसे तो बाहर है, अब भी मजीद बाहर हो जाएगा। कल की प्रेडिक्शन, जो विन प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के लिए, तकरीबन 11% नेदरलैंड के लिए है और 89% पाकिस्तान के लिए है। इसी तरीके से अगर आप विन प्रेडिक्शन देखें इंडिया और साउथ अफ्रीका की, तो बड़ा नेक टू नेक मैच है, क्योंकि इंडिया के पास भी अच्छी साइड तो बहुत मौजूद है, लेकिन इसके बरक्स आपको ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के भी जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, रबादा उनके पास है, पार्नल उनके पास है, तो और उसके बाद उनका जो ताहिर है या उनके जो दूसरे बॉलर्स हैं, इसके साथ साथ रिलर रोसो को आप से बुला सकते हैं जिसने पहली सेंचुरी की थी T20 की। तो टीम साउथ अफ्रीका की भी बहुत स्ट्रांग है, 37% विन प्रेडिक्शन है साउथ अफ्रीका की और 63% है इंडिया की। तो कल का दिन पूरा दिन वेस्ट होने वाला है अगर पाकिस्तान हार गया, अगर पाकिस्तान जीत गया तो कल के तीनों मैच बहुत ही मजेदार होंगे, और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। और बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में ये मैचेस होने जा रहे हैं ऑप्टस स्टेडियम में, तो वहां पे प्रेडिक्शन तो रहती है बारिश की, लेकिन कब मौसम बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। मेरी कोशिश है, दुआ है कि मौसम के साथ पाकिस्तान के हालात भी बदले, मिडिल ऑर्डर भी बदले, टॉप ऑर्डर भी बदले, और पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए।